तो आज के दिन हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं तांगसेन की साउल बोन्स की वीडियो को। तांगसेन की एट स्पाइडर लेग्स की साउल बोन और तांगसेन की स्कल साउल बोन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहो तो उसे आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो और उसी के साथ ही साथ उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो नाइम टाइम मोमेंट से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। स्कल बोन के बाद आती है तांगसेन की लेफ्ट आर्म बोन, जो कि टाइटन जायंट एप की बोन है। लास्ट की वीडियो में आप सबको ये बताना मुझे याद नहीं रहा कि तांगसेन की स्कल बोन की एज 60,000 प्लस इयर्स है और वहीं पर तांगसेन की लेफ्ट आर्म बोन की एज 100,000 प्लस इयर्स है, जो कि अर्मिंग की स्पिरिट बोन है, जिसे कि तांगसेन ने अर्मिंग के सेक्रीफाइस के बाद हासिल किया था। और उसी के साथ ही साथ अर्मिंग वही मॉन्स्टर था जिसने तांगसेन को ग्रैंड साउलैंड मास्टर के रियल एम में एंटर होने के लिए पुश किया था। और यहाँ पर आल्सो टाइटन जायंट एप ने अपनी लाइफ एनर्जी को यूज किया था, जिसकी वजह से ही तांगसेन टाइटल ग्रैंड साउलैंड मास्टर रियल एम में एंटर हो पाया था। अर्मिंग ने अपनी साउलिंग और अपनी साउल बोन को सिर्फ इसीलिए तांगसेन को दिया था क्योंकि तांगसेन ने उनसे शाओवु को रेसुरेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, जिसे के तांगसेन को पूरा करना था। और उसी के साथ ही साथ तांगसेन ने दामिंग और अर्मिंग दोनों को भी दोंग के हाथों मरने से भी बचाया था। और उसी के साथ ही साथ तांगसेन के सी गॉड इनहेरिटेंस के फाइनल एग्जाम को कम्प्लीट करते हुए टाइटन जायंट एप की साउल बोन एक गोल्डन फिगर में चेंज हो जाती है, जिसके बाद बारी आती है इसकी एबिलिटीज की। टाइटन जायंट एप की साउल बोन की फर्स्ट एबिलिटी का नाम ग्रेविटी कंट्रोल है, जिसमें एक सर्टेन एरिया के दौरान तांगसेन इस एबिलिटी का यूज करते हुए ग्रेविटी को डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकता है। और उसी के साथ ही साथ इसके इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही इफेक्ट सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि तांगसेन इस एबिलिटी को यूज करते हुए कितनी ज्यादा साउल पावर को इस एबिलिटी में इन्वेस्ट करता है। और उसी के साथ ही साथ इसका यूज करते हुए तांगसेन किसी भी वेपन के वीड को भी इंक्रीज कर सकता है, जो कि प्योर फिजिकल फोर्स में काम आता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि तांगसेन ने काफी मर्तबा अपने सी गॉड ट्राइडेंट और अपने क्लियर स्काई हैमर के वेट को इंक्रीज करने के लिए अपनी इस एबिलिटी का यूज किया है, ताकि इसकी स्ट्रेंथ और इसकी फोर्स दोनों ही बूस्ट हो सके। जिसके बाद बारी आती है टाइटन फिर्मामेंट ब्रेकर की, जिसमें कि टाइटन जायंट एप की स्पिरिट बोन अपनी साइड्स पर मौजूद ग्रेविटी को कंट्रोल करते हुए एयर को इतना ज्यादा कंप्रेस कर देती है कि वो एयर एनर्जी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है और ये टेरिफाइंग एनर्जी एक अटैक की शेप ले लेती है, जो कि टाइटन जायंट एप की फुल स्ट्रेंथ के अटैक के बराबर होता है। उसी के साथ ही साथ इस एबिलिटी के अटैक का यूज करते हुए तांगसेन के अटैक की साइड पर एक येलो कलर का ऑर्ब क्रिएट हो जाता है, जो कि लाइट के एक पिलर को लीश करता है, जिसमें से येलो लाइट अटैक की शेप में बाहर निकलती है। तांगसेन की ये साउल बोन किसी भी ऑर्डिनरी ग्रैंड साउलैंड मास्टर की नाइन्थ स्पिरिट बोन का मुकाबला करने के काबिल है और बहुत ही आसानी से उसे ओवरपावर भी कर सकती है। जिसके बाद बारी आती है राइट आर्म बोन की, जो कि स्काई अज्योर बुल पाइथन की स्पिरिट बोन है, जिसकी टोटल एज 100,000 प्लस इयर्स है। इसे तांगसेन ने दामिंग के सेक्रीफाइस के बाद हासिल किया था। दामिंग की स्पिरिट बोन तांगसेन के सी गॉड के इनहेरिटेंस एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद गोल्ड कलर के ड्रैगन में इवॉल्व हो जाती है, जिसकी एबिलिटीज में सबसे पहले स्काई अज्योर स्लोइंग डिवाइन क्ला आता है, जो कि एक रेस्ट ट्रेनिंग एबिलिटी है, जिसके आगे सारे फिजिकल डिफेंसेस इनइफेक्टिव हो जाते हैं। ये एबिलिटी अपने टारगेट को बिना कोई साउंड प्रोड्यूस किए ट्रेस करती है और कंफर्म हिट करती है। ये एबिलिटी एक टाइम पर एक से ज्यादा टारगेट्स को भी हिट कर सकती है। उसी के साथ ही साथ जिस कैरेक्टर में भी तांगसेन इस एबिलिटी का यूज करता है, उसकी सिक्स सेंसेस और उसके फिजिकल मूवमेंट 10 times स्लो हो जाते हैं। स्काई इज योर स्लोइंग डिवाइन क्ला को कोई भी साउल मास्टर अपनी 8 स्पिरिट एबिलिटी या फिर उससे हायर रैंक की एबिलिटी का यूज करते हुए काउंटर कर सकता है, मगर उसके लिए शर्त ये है कि तांगसेन के इस एबिलिटी को यूज करने से पहले तांगसेन के ओपोनेंट को अपनी 8 या फिर 9 एबिलिटी का यूज करना होगा, क्योंकि जैसे ही तांगसेन इस एबिलिटी का यूज कर लेता है तो तांगसेन के ओपोनेंट्स की पावर ऑलरेडी 10 times डाउन हो चुकी होती है, जिसकी वजह से 8 या फिर 9 एबिलिटी भी इसके सामने कोई मैटर नहीं करती। और इसी स्पिरिट बोन के सेकेंड अटैक का नाम स्काई अज्योर फेडिंग थंडर क्लैप है, जो की एक सिंगल टारगेट एबिलिटी है, जिसमे तांगसेन एक अज्योर ड्रैगन को समन कर सकता है, जिसकी रोर काफी ज्यादा थंडरस होती है। उसी के साथ ही साथ इस अटैक की रेंज और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये एक फ्लैश की स्पीड से तांगसेन के एनिमी के थ्रू गुजर जाता है। और उसी के साथ ही साथ जिस एनिमी पर भी तांगसेन इसका यूज करेगा, वो एनिमी नथिंग में तब्दील हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये एबिलिटी स्टारडुवो फॉरेस्ट के एम्परर बुल पाइथन की पावर को डिफाइन करती है। जिसके बाद बारी आती है तांगसेन की राइट लेग स्पिरिट बोन की, जो की ब्लू सिल्वर एम्परर की स्पिरिट बोन है। इसकी एज 100,000 प्लस से ये तांगसेन के लिए उसकी मदर ने अपने सेक्रीफाइस से पहले छोड़ी थी, जिसे के तांगसेन के फादर ने तब के वक्त उसे दिया था जब के वक्त तांगसेन अपने
फादर की स्पिरिट बोन्स को लेकर हाउटियन क्लैन में वापस जाने के लिए निकला था और उसी के साथ ही साथ तब के वक्त तांगसेन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हुआ था कि तांगसेन आल्सो पावरफुल एनिमीज के साथ फाइट भी कर सकता था, जिसकी वजह से ही तब के वक्त तांगसेन इसके लिए रेडी हो चुका था और तांगसेन के फादर ने स्पिरिट बोन को उसे दे दिया था। ये स्पिरिट बोन तांगसेन के सी गॉड इनहेरिटेंस के बाद छोटे से ब्लू सिल्वर ग्रास में चेंज हो जाती है, जिसकी साइड्स पर ब्लू गोल्ड निम्बस कलर मौजूद होता है। इसकी एबिलिटीज में सबसे पहले वाइल्ड फायर कैन नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रास, इट ग्रोस अगेन विद द स्प्रिंग विंड, जिसका इफेक्ट्स ये है, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल हीलिंग स्किल है जो कि तांगसेन को किसी भी इंजरी के बाद नेचुरली हील कर देगी। और अगर तो तांगसेन में और ज्यादा पावर को पुट करता है तो तांगसेन इसके हीलिंग इफेक्ट्स को भी इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से तांगसेन बहुत ही जल्दी अपनी सारी हेल्थ को रिस्टोर कर सकता है। इसकी हीलिंग पावर इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि ये तांगसेन के क्रश हो चुके लिम्स को भी दोबारा से रीजनरेट कर सकती है और तांगसेन की सारी हेल्थ को दोबारा से रिस्टोर कर सकती है। और इवन की अगर चाहे तांगसेन मौत के करीब भी क्यों ना जा चुका हो, जब तक तांगसेन की बॉडी में एक सांस भी रहेगा तब तक ये साउल बोन तांगसेन की बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर देगी। तांगसेन इसका यूज करते हुए अपने टीममेट्स को भी हील कर सकता है और डोलवो कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ ही ऐसी इंजरीज हैं जिन इंजरीज को इस साउल एबिलिटी के थ्रू हील नहीं किया जा सकता। तांगसेन की ब्लू सिल्वर एम्परर साउल बोन की सेकंड एबिलिटी का नाम फ्लाइट है, जिसके थ्रू तांगसेन इसका यूज करते हुए फ्लाई भी कर सकता है। हालांकि ये साउल एबिलिटी तब के वक्त तांगसेन के किसी काम की नहीं रहती जब के वक्त तांगसेन टाइटल ग्रैंड साउल लैंड मास्टर बन जाता है, मगर फिर भी इस एबिलिटी ने तांगसेन के यहाँ पर पहुँचने में काफी हेल्प की है। जिसके बाद बारी आती है लेफ्ट लेग बोन की, जो कि इवल स्पिरिट ओर्का किंग की बोन है, जिसकी एज 100,000 प्लस ईयर्स है। इसे तांगसेन ने इवल स्पिरिट ओर्का किंग से हासिल किया था और आल्सो ये तांगसेन के सी गॉड के फोर्थ ट्रायल को पास करने के बाद तांगसेन को मिली थी, जिसमे के तांगसेन को इवल स्पिरिट ओर्का किंग को किल करना था। और सी गॉड इनहेरिटेंस के दौरान तांगसेन की यही स्पिरिट बोन जायंट इवल स्पिरिट ओर्का में चेंज हो जाएगी। इसकी एबिलिटी में सबसे पहले ओर्का स्पिरिट इवल एक्स है, जिसे के हमने ऑलरेडी काफी मर्तबा देख रखा है, जिसके थ्रू तांगसेन अपनी सारी बॉडी की पावर को एक ही पॉइंट पर यूज करने के बाद एक रेड कलर की जायंट स्लैश को यूज कर सकता है, जिसमें इवल स्पिरिट ओर्का किंग की टेल के जितनी पावर होती है, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग पावर है। उसी के साथ ही साथ इस एक्स की फोर्स भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है, जिसके बाद इसकी सेकेंड एबिलिटी का नाम ओर्का फेंग बस्टर है, जिसमें के तांगसेन की यही स्पिरिट एक्स जायंट रेड कलर की स्लैशेस में चेंज होकर एक ही टाइम पर काफी ज्यादा अटैक्स कर सकती है। जिसके बाद बारी आती है तांगसेन की टॉर्सो बोन की, जिसको के तांगसेन ने डीप सी डीमन व्हील किंग को किल करने के बाद हासिल किया था। इसकी टोटल एज नियरली 1 मिलियन ईयर्स है। ये तांगसेन को उसके सी गॉड के 8 ट्रायल को कम्प्लीट करने के बाद एज अ गिफ्ट भी मिली थी, जिस एग्जाम में तांगसेन को डीप सी डिमोनिक व्हील किंग को किल करना था। तांगसेन के सी गॉड के इनहेरिटेंस के ट्रायल के दौरान ये स्पिरिट बोन पर्पल ड्रैगन में चेंज हो जाएगी। इसकी एबिलिटीज की ज्यादा इन्फो तो मौजूद नहीं है, मगर जैसा कि डोलवो कॉन्टिनेंट के रूल्स को देखा जाए तो किसी भी स्पिरिट मास्टर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट साउल बोन टॉर्सो बोन होती है और उसी के साथ ही साथ किसी भी साउल बोन में उस साउल मॉन्स्टर की सबसे ज्यादा टेरिफाइंग एबिलिटी मौजूद होती है, जिसका मतलब ये है कि स्पिरिट बोन में तांगसेन को डीप सी डिमोनिक व्हेल किंग की 4 सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज मिलने वाली है। जिसके बाद बारी आती है तांगसेन की लेफ्ट आर्म बोन की, जो कि तांगसेन की फार्मर साउल बोन है, जिसका नाम सॉफ्ट बोन रैबिट है। इसकी एज 100,000 प्लस इयर्स थी। इस स्पिरिट बोन को तांगसेन ने शाओवू के सेक्रीफाइस के दौरान हासिल किया था। इस स्पिरिट बोन को हासिल करने के बाद तांगसेन रैंक 60 को क्रॉस कर पाया था और उसी के साथ ही साथ तांगसेन को एक रेड कलर की सबसे पहली साउल रिंग मिली थी। हालांकि शाओवू को रेजुरेक्ट करने के दौरान तांगसेन ने शाओवू की साउल बोन और साउल रिंग दोनों को ही शाओवू को वापस कर दिया था। इस साउल बोन में 2 एबिलिटीज मौजूद थी, जिनमें सबसे पहली टेलीपोर्टेशन थी, जिसका यूज करते हुए तांगसेन 100 मीटर एरिया में कहीं भी टेलीपोर्ट करने के काबिल था। जिसके बाद इसकी सेकंड एबिलिटी का नाम इनविजिबल गोल्डन बॉडी था, जो कि तांगसेन को कुछ देर के लिए इनविजिबल कर देती थी और इसे तांगसेन एक दिन में 3 मर्तबा यूज कर सकता था। जिसके साथ ही तांगसेन की सारी स्पिरिट बोन्स की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। और इसके बाद बारी आती है तांगसेन की डोमेन्स की,
जिनको कि अगर मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूं तो मिनिममली शायद से उस पर भी 2 वीडियोस को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि तांगसेन की सबसे पहली ब्लू सिल्वर डोमेन, जिसके बाद आती है तांगसेन की डेथ गॉड डोमेन, जिसके बाद आती है तांगसेन की सी गॉड डोमेन, जिसके बाद आते हैं तांगसेन की सी गॉड 13 गोल्डन मूव्स, जिसके बाद आती है तांगसेन की अशुरा गॉड डोमेन और उसी के साथ ही साथ अशुरा ब्लड स्वॉर्ड, अशुरा गॉड मूव्स। तो पहले आप लोग तांगसेन की अपनी डोमेन्स पर वीडियो देखना चाहते हो या फिर आप लोग तांगसेन की दोनों गॉड लेवल डोमेन्स पर वीडियो देखना चाहते हो, मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। आपके कमेंट्स के बाद ही मैं उस वीडियो को पहले क्रिएट कर अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।